सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो देखो, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने इंटरनेट स्पीड को कैसे इंक्रीज कर पाओगे और जो पहले का नेटवर्क था उससे भी ज़्यादा स्पीड हो जाएगा इस APN सेटिंग से। सिर्फ करो एंड आप लोग का इंटरनेट स्पीड बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो देखो, उससे पहले एक लाइक करना, साथ ही कमेंट करना, एंड अगर आप लोग का इंटरनेट स्पीड हो जाता है तो भी हाँ करना, या फिर अगर नहीं होता है तो भी ना करना, ठीक है, कमेंट करना नीचे में, ठीक है। एंड आप लोग को एक वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। देखो गाइस, उसके बाद देखो, मैं वीडियो रात में बना रहा हूँ, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोग के लिए। तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड देखो, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड देखो, हम लोग के चैनल पर चल रहा है गिव अवे, तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से टच करो एंड वीडियो को वॉच कर लेना। एंड 25 रुपये का फ्री पेटीएम गाइस आप लोगों को मिल जाएगा। तो देखो, सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको डुअल सिम एंड सेलुलर नेटवर्क का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, या सिम कार्ड मैनेजर का भी ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद आप सिम चूज कर लेना, जो भी जियो सिम लगाए रखे हो 1 में या 2 में। तो उसके बाद आ जाता है एक्सेस पॉइंट नेम बोल के ऑप्शन, जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद एक्सेस पॉइंट नेम बोल के एक ऑप्शन नीचे दिया जाता है, उस पर क्लिक करना। एंड नीचे में रेजेट का ऑप्शन होता है, रेजेट करना, ठीक है, दबाना एंड इस रेड वाले में क्लिक कर देना। तो जिससे कि आपका कूड़ा कचरा जितना भी यहाँ जंक फैला हुआ है सब क्लियर हो जाएगा, जिसको हम बोल सकते हैं क्लियर कैचे। तो गाइस, इतना हो जाने के बाद आप लोगों ऊपर प्लस का ऑप्शन दिखता होगा, ठीक है, प्लस का ऑप्शन, या फिर आपका नीचे भी हो सकता है, ठीक है, नीचे भी आपका प्लस का ऑप्शन हो सकता है। तो आप लोगों को देखो कि यहाँ पर क्या करना है, जैसे क्लिक करोगे इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, तो आप लोगों को पूरा फिल करना है, जिसके बाद आपका इंटरनेट स्पीड हो जाएगा। तो देखो, ध्यान से देखना है ना, वरना आपका इंटरनेट स्पीड नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले आता है नेम, नेम में लिखना जियो एक स्पेस 4G, ठीक है, जियो एक स्पेस 4 और कैपिटल जी, ठीक है, जे भी कैपिटल होगा। उसके बाद एक स्पेस X30.2, जियो 4G X30.2 ये लिखना है। उसके बाद इसको कर देना है सेव। सेव हो जाने के बाद उसके बाद आ जाता है APN, APN को भी यहाँ पर फिल करना है, और इसमें आप लोगों को लिखना है APN में, यहाँ पर लिखना है आपको जियो नेट, ठीक है, सिंपल सा जियो नेट लिख के सेव कर दिए, सारा स्मॉल में, ठीक है, सारा स्मॉल में ही होगा। उसके बाद सेव करने के बाद आ जाता है प्रोक्सी और पोर्ट, इन दोनों को नॉट सेट रहने दें। उसके बाद आ जाता है यूज़र नेम, तो यूज़र नेम में यहाँ पर आप लोग को लिखना है, ये थोड़ा ध्यान से देखिए क्योंकि यह थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है, तो ध्यान से देखिए और आप लोग का इंटरनेट स्पीड बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। तो देखो, सबसे पहले आपको स्मॉल एक्स 20.2, ठीक है, स्मॉल एक्स 20.2 एक स्पेस एंड आप लोगों को लिखना है 4G, जो कि जी कैपिटल होगा, ठीक है, बड़ा होगा, एक्स 20.2 स्पेस 4G और एक स्पेस फिर जियो, जो कि जियो स्मॉल लेटर में होगा। उसके बाद इसको करना है सेव, ध्यान से देख लो, ठीक है, यही है इस APN में डिफ़िकल्ट, तो थोड़ा देख लो अच्छे से, ठीक है। उसके बाद ये हो जाने के बाद आता है पासकोड, पासकोड को नॉट सेट रहने दो। उसके बाद आ जाता है सर्वर, तो सर्वर में यहाँ क्लिक करो, ठीक है, क्लिक करो एंड यहाँ पर आप लोग को लिखना है www.google.com, सिंपल से ये लिख के इसको भी करना है आप लोगों को सेव। तो लिख दीजिए www.google.com, कर दिए सेव। एंड उसके बाद आ जाता है MMSC MMS Proxy MMS Port, ये तीनों को नॉट सेट। MCC और MNC आपका एरिया कोड आता है, हर वीडियो में बताया है मैंने कि इसको छेड़छाड़ ना करें। एंड उसके बाद आता था ऑथेंटिकेशन टाइप, तो ये थोड़ा अलग है, ठीक है, डिफरेंट है, तो थोड़ा देख लीजिए। आपको इसमें सब में पैप और चैप करते थे, लेकिन इसमें आपको करना है पैप, सिर्फ पैप, ऑथेंटिकेशन टाइप में पैप करना है। उसके बाद APN टाइप को नॉट सेट। उसके बाद APN प्रोटोकॉल, तो इसमें आपको करना है सबसे नीचे वाले में IPv4/IPv6। उसके बाद आता है APN रोमिंग प्रोटोकॉल, इसमें भी आपको करना है IPv4/IPv6। एंड उसके बाद आ जाता है बियरर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग होता है APN का। एंड देखो, MVNO टाइप को नन ही रहने देना है, ठीक है। तो बियरर में आप लोग क्या करना है, देखो अनस्पेसिफाइड पे टिक होता है, तो इसको ऑन टिक करके LTE पे क्लिक करो और EDGE पे क्लिक करो। अगर इतने दो सपोर्ट नहीं करते, सिर्फ LTE पे क्लिक करके छोड़ दो। तो एंड देखो, ये दोनों हो जाने के बाद आप लोगों को सिंपल सा ओके कर देना है। एंड यहाँ पर ऊपर में आपको सेव का ऑप्शन हो सकता है, या फिर नीचे भी मोर करके एक सेव का ऑप्शन दिया हो सकता है, ठीक है, तो आप सिंपल सा क्लिक कर लीजिए। तो अब ये देखो, ऊपर से मेरा ऊपर में दिया हुआ है, तो मैं ऊपर से जाकर सेव कर लिया। एंड देखो, नीचे एक बार क्लिक कर दिए जो नया APN है, तो आपका जो इंटरनेट स्पीड है काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करो, ताकि मुझे पता चल सके आप लोग किस चीज़ के बारे में वीडियो चाहिए ना, आप लोग क्यों समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो कमेंट करो। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करो। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।